प्रस्तुत आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हेल्दी आटा मैगी जो हम बचे हुए आटे से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मशीन लेंगे सेव की और जो हमारा बचा हुआ आटा है वो मशीन के अंदर डालेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई में उबलने के लिए पानी रख दिया है। अब हम मशीन से मैगी बनाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, एक छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह 10 मिनट उबलने देंगे। फिर बाद अब इसे हम मैगी को निकालेंगे और ठंडे ठंडे पानी में डालेंगे। हो चुके हैं तो एक दूसरे बर्तन में छन्नी रख के मैगी का सब पानी निकालेंगे। एक दूसरी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाले, थोड़े से प्याज, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, शिमला मिर्ची, गाजर और टमाटर डाल के अच्छी तरह हिला दूंगी, 2 छोटी हरी मिर्ची और एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और जो उबली हुई हमारी मैगी है वो डाल देंगे। 2 पैकेट मैगी मसाला डालेंगे, छोटा चम्मच रेड चिली सॉस और 2 बड़े चम्मच इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़े से उबले हुए मटर डालेंगे, छोटा चम्मच इसमें काली मिर्ची डालेंगे और अच्छी तरह हिला देंगे। और ये अब हमारी मैगी रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ लाइक करके ना मत जाइए।